हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये बहुत इजी है। मैंने इस गरारे के बॉटम पे रफल लगाया है और ये फुल फ्लेयर है, गरारा है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फैब्रिक ले लीजिए। यहाँ पर मैं लाइनिंग के लिए पॉलिस्टर और मेन फैब्रिक एक सारी ले रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लाइनिंग को इस तरह डबल फोल्ड कर 18.5 इंचेस पर मेजर कर इसे आप कट कर लीजिए। ये घरारे के ऊपर के पार्ट के लिए है। अब इस पीस को भी आप सेंटर पॉइंट से कट कर लीजिए। इस तरह आपको दो पीसेस बन जाएंगे। अभी से आप इस तरह फोल्ड कर लीजिए। अब आप कमर मेजर कर लीजिए। यहाँ पर मैं 10 इंचेस ले रही हूँ। इसे आप इस तरह मार्क कर लीजिए। देन आप 2 इंचेस पर इस तरह मार्क कर लीजिए। ये हम 2 इंचेस बेल्ट के लिए छोड़ रहे हैं। देन आप नॉर्मल जितनी लेंथ रखनी चाह रहे हैं उतनी मार्क कर लीजिए। यहाँ पर मैं 14 इंचेस रख रही हूँ और 1/4 इंच स्टिचिंग के लिए। ऐसे आप इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पर आप 14 इंचेस पर मार्क कर लीजिए इस तरह से। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। अब आप यहाँ से मेजर कर लीजिए 17 इंचेस पर और 1/4 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। अब इसे भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर आप 10 इंचेस पर मार्क कर लीजिए, 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। अब इन पॉइंट्स को आप जॉइंट कर लीजिए इस तरह से। अब इसे नीटली आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ क्रॉच के पास आप 3 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। कमर के पास अब क्रॉच तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अब इसमें आप इस तरह कर्व दे लीजिए। यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। और यहाँ 10 इंचेस पर एक मार्क। इस तरह आप क्रॉच को नीटली ड्रॉ कर लीजिए। अब इन मार्किंग्स पर आप कट कर लीजिए। अब इस तरह आप फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए।
एक घरारे के नीचे के पार्ट के लिए है। यहाँ 1/4 इंचेस पर एक मार्क कर लीजिए, ये स्टिचिंग के लिए है। इस तरह आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस मार्किंग से आप लेंथ मेजर कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ 22.5 इंचेस पर एक मार्क और 23.5 इंचेस पर एक मार्क कर इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा मार्किंग स्टिचिंग के लिए है। अब इसे भी आप कट कर लीजिए। इस तरह अब आप मेन फैब्रिक को भी सेम तरीके से कट कर लीजिए। इसके लिए आप मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर सकते हैं इजीली। और ये देखिए घरारे के नीचे के पार्ट, यहाँ पर मैंने 20 रखा है और मेन फैब्रिक 10 इंचेस एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो टोटल लेंथ तो होगी 32 इंचेस की। अब लाइनिंग को भी मेन फैब्रिक को इस तरीके से आप जॉइन कर लीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट्स को आप कट कर लीजिए। दोनों पार्ट्स को आप सेम तरीके से कट कर लीजिए। अब आप घरारे का नीचे के पार्ट की लाइनिंग ले लीजिए और इसे इस तरह स्टिच कर लीजिए। अब आप स्टिफ ले लीजिए, कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच की ले लीजिए और इसे घरारे को इस तरह जॉइन करना है। इस तरह जॉइन करने के लिए आप घरारे का बॉटम का पार्ट इस तरह रख कर इस पर आप स्टिफ रख लीजिए इस तरह, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और इसे स्टिच कर लीजिए। ये इसलिए ताकि घरारे को स्टेबिलिटी मिले। इस तरह आप फोल्ड कर स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरह स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह प्लीट्स देते हुए स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब आप मेन फैब्रिक ले लीजिए और उसे भी आप इस तरह प्लीट्स देते हुए स्टिच कर लीजिए और इसे इस तरह लाइनिंग से जॉइन कर लीजिए। देख सकते हैं आप, अब आप घरारे के ऊपर के पार्ट को इस तरह स्टिच कर लीजिए। देखिए इस तरह क्रॉच की तरफ आप स्टिच कर लीजिए। अब आप इस घरारे को
नीचे के पार्ट को ऊपर के पार्ट से अटैच कर लीजिए। इसके लिए आप इस कॉर्नर साइड से शुरू कर लीजिए, इस तरह इसे इस तरह प्लेस कर कर इसे इस तरह अंदर रख कर इस तरह से आप जॉइंट कर लीजिए। इसे अच्छे से स्टिच कर लीजिए। अभी इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर कर भी इसे से डबल स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने यहाँ डबल स्टिच कर लिया है। और क्रॉच को भी आप इस तरह स्टिच कर लीजिए। दोनों पार्ट्स को परफेक्टली जॉइंट कर लीजिए इस तरह से सेंटर पॉइंट पे। अब यहाँ पर आप बेल्ट लगाना है। बेल्ट के लिए आप इस तरह से क्लॉथ कट कर लीजिए। और इस लाइनिंग को भी मेन फैब्रिक से अटैच कर लीजिए। इसे इस तरह फोल्ड कर कर यहाँ सेंटर पॉइंट पे प्लेस कर कर इसे स्टिच कर लीजिए। देन इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर कर नीचे रख कर इस तरह से स्टिच कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह दिखेगा। और नीचे रफल के लिए आप क्लॉथ को पहले अंदर की तरफ फोल्ड कर कर स्टिच कर लीजिए। अब आप रफल के लिए एक 6 इंचेस की स्ट्रिप कट कर लीजिए। अब इसको आप इस तरह फोल्ड कर कर दोनों को साथ में इस तरह प्लीट्स लेकर स्टिच कर लीजिए, कुछ इस तरह से। इसे इस तरह फोल्ड कर कर स्टिच करने के बाद आपको रफल अटैच करना है। आप इस तरह एक ही डायरेक्शन में फोल्ड प्लीट्स लेते हुए आप इसे इस तरह रख कर स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रफल लगा लिया है और इसे डबल स्टिच कर लीजिए। आप इसे इसी तरह रख सकते हैं या फिर आप लेस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस ऐड कर ली है। लेस ऐड करने के बाद ये ज़्यादा प्रीटी लगता है। आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेयर कितना अच्छा आया है और इसका रफल इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर की तरफ भी मैंने लेस लगा ली है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पर हमने 14 इंचेस का गरारे का टॉप कट किया था, ऊपर का पार्ट, और 2 इंचेस की बेल्ट लगाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा 41 इंचेस का घरारा रेडी हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये घरारे की लेंथ 26 इंचेस की है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घरारा रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।